स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। आपने आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इज इक्वल टू कॉट 2x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व करके राइट हैंड साइड को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम उन फार्मूलाज की हेल्प से सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, जो फार्मूलाज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यूज़ किए थे। ठीक है, प्रोडक्ट के थे और आपके पास सम और डिफरेंस के थे। ठीक है, तो अब देखिए ये डिफरेंस में आपके पास नॉमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। ठीक है, साइन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस 3x। वी नो दैट नेगेटिव का जो हमारे पास दोनों साइन के होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान क्या होता है, नेगेटिव, तो वो इक्वल होता है 2 cos p + q डिवाइड बाई 2 साइन p माइनस q डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये दोनों साइन के थे, दरमियान में क्या था, नेगेटिव। अब ये दोनों cos के हैं, दरमियान में है नेगेटिव, तो इनके लिए फार्मूला क्या होता है, cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस q डिवाइड बाई 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो नॉमिनेटर में ये फार्मूला यूज़ होगा, डिनोमिनेटर में ये होगा। तो इसे हम यूज़ करते हैं, नॉमिनेटर का 2 cos p प्लस q है, तो p की जगह 3x है, q की जगह x है, 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 साइन 3x माइनस x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड माइनस 2, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, cos का माइनस 2 साइन p प्लस क्यू, पी की जगह x है, q की जगह 3x है, x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस 3x डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो 1 प्लस 3 4, x माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे। cos 4x डिवाइड बाई 2 साइन 2x डिवाइड बाई 2 डिवाइड माइनस साइन 4x डिवाइड बाई 2 साइन माइनस 2x डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 2 4, ये 2 2 से कैंसिल, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ये बन जाएगा cos 2x sin x। ठीक है, डिवाइड बाय माइनस sin 2x sin माइनस x। ठीक है, अब ये बन जाएगा cos 2x sin x डिवाइड बाय, ये देखें हम जानते हैं sin का जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाता है। देखिए, वी नो दैट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब इसका जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाएगा, तो वो माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, अगेन बता दूँ, वी नो दैट साइन माइनस थीटा, इसका जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, स्टार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, ये जो इस स्टेप में मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, माइनस साइन एक्स, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ रह जाएगा साइन 2x डिवाइड साइन एक्स। ठीक है, आप देखिए साइन एक्स से कैंसिल, कॉस 2x डिवाइड बाई साइन 2x रह जाएगा, और ये इक्वल होता है हमारे पास कॉट के। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉट 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। सेकंड पार्ट है, साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 8x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू टेन 5। ये साइन क्या है, दरमियान में है पॉजिटिव। वी नो दैट साइन पी प्लस साइन क्यू डिवाइड बाई 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। डिनोमिनेटर में दोनों कॉस के हैं और दरमियान में क्या है, प्लस। वी नो दैट कॉस पी प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो नोमिनेटर में ये फार्मूला यूज़ करेंगे, डिनोमिनेटर में कॉस का 2 sin, ठीक है, 2 sin पी प्लस क्यू, पी है हमारे पास 8x, क्यू है 2x, 8x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 कॉस 8x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, डिवाइड कॉस का यूज़ करेंगे अब। ठीक है, 2 cos पी प्लस क्यू है, तो 8x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 कॉस 8x माइनस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसे सिंपलीफाई करें, 8 प्लस 2 10। ठीक है, 2 sin 10x डिवाइड बाई 2 cos 8 में से 2 माइनस करेंगे, 6x डिवाइड बाई 2 डिवाइड 2, यहाँ पे 2 इसी स्टेप में कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2 से कट हो गया, बाकी यहाँ पे रह जाएगा cos 8 प्लस 2 10x डिवाइड बाई 2 cos 8 में से 2 माइनस करेंगे, 6x डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 3 6, एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा साइन 5x cos 3x डिवाइड बाई cos 5x cos 3x, cos से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन डिवाइड बाई cos रह जाएगा, साइन 5x डिवाइड बाई cos 5x इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास 10 के। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 5x, और यही आपने प्रूव करना था, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। थर्ड पार्ट है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2।
लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। अब ये दोनों साइन के हैं, दरमियान में है नेगेटिव। वी नो दैट साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू टू कॉस पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई टू। डिनोमिनेटर में हैं साइन के दोनों, बट दरमियान में क्या है पॉजिटिव। वी नो दैट साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू टू साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई टू। नोमिनेटर में ये फॉर्मूला यूज़ होगा, डिनोमिनेटर में प्लस का, ठीक है। तो ये होगा टू कॉस पी प्लस क्यू, पी है अल्फा, क्यू की जगह है बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू डिवाइड टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है। अब इनको हम अलग कर लेते हैं, टू टू से हो जाएगा कैंसिल। और अब देखिए आपके पास जो है राइट हैंड साइड पे कॉट है, सॉरी पहले है आपके पास अल्फा माइनस बीटा, तो हम जो माइनस अल्टर में उसको पहले लिख लेते हैं, मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू कॉज अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू। इसे हमने पहले लिख लिया बिकॉज हमें राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है कि अल्फा माइनस बीटा पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसी स्टेप में इसको पहले लिख लिया, बाकी बाद में आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। दरमियान में ये डॉट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमने इनको अलग कर लिया। अब देखिए साइन और कॉज, वी नो दैट साइन और कॉज इज इक्वल टू टेन, ठीक है। साइन डिवाइड बाई कॉज इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और कॉज डिवाइड बाई साइन होता है कॉट के इक्वल, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई टू। यही थी आपकी राइट हैंड साइड। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इजी सा है, बस आपने फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स या हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।